को रख के बहुत तेज, और अब जा रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज लगाने। तो अब जाएंगे और दो टेस्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद सीधा मिलेंगे लाइब्रेरी में। प्यार हो गया डैड एकदम, और इतना खा लिया पढ़ पढ़ के मेरा मन भर चुका है बिल्कुल, और खा खा के मेरा पेट मेरी छाती सब भर गई। गुरु 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 को एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आइए वन गो। देखो यार ये लाइब्रेरी है मेरी, बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है, खूबसूरत है। ये यहाँ पे सीट्स देख रहे हैं आप लोग, सीट पे आते हैं और ये है अपनी सीट। ये सॉरी बैड लैंग्वेज के लिए। तो अब लगाते हैं आज का पहला सेशन, और सेशन क्या बल्कि सुपर सेशन लगाएंगे। 6-7 घंटे दबा के पढ़ेंगे और दबा के रिवीजन करेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा मैं आई हूँ आज लाइब्रेरी में सबसे पहले, और यहाँ है गुप्त सन्नाटा, कोई नहीं है, और इसका हम फायदा उठाएंगे, बढ़िया रिवीजन पे लेंगे। क्योंकि मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी कि आज एक दोपहर में मैं एक टेस्ट भी लिखने जाऊंगी, तो उस टेस्ट का करेंगे रिवीजन, क्योंकि आपको पता है रिवीजन इज द की। और इस वीडियो में आज ये चैलेंज लिया हमने कि लाइब्रेरी सबसे पहले आई हूँ और सबसे एंड तक जाऊंगी। अब देखते हैं कितने बजे जाना हो पाएगा, जब ज़्यादा लेट हो गया तो मैंने तो ये प्लान करके आया कि मैं सोऊंगी भी यहीं पे, आज यहीं पे सोना पड़ा तो मैं यहीं सो जाऊं, क्योंकि मैं कितने बजे तक इंतजार करूं कि आपका लाइब्रेरी सुबह 6 बजे तक खाली ना होए। तो देखेंगे अब करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में करने को कुछ नहीं है, सिर्फ पीने को है। ये देखो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये दूध है और ये पिएंगे ब्रेकफास्ट में। और एक और बात, ये पॉलिथीन जो है ये डिटोल के हैंड वॉश से धोई गई है, ऐसा नहीं कि अरे मैडम मुंह से कैसे खोल रहे हो। तो अब ये मैंने जो सुबह बैड लैंग्वेज लिखी थी उन पापों का मैंने किया प्राश्चित, और इस प्राश्चित में मैंने लिखी है प्रियम्बल। हम सबको ऐसा लगता है कि हमें प्रियम्बल याद है, लेकिन हमें सिर्फ आइडिया होता है, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमारे संविधान की आत्मा है। और ऐसी चीज़ें ना आंसर राइटिंग में बहुत हैंडी आती है, ऐसे में बहुत हैंडी है, तो इनको रट लो, याद कर लो और सीधा वहाँ जाके छाप जाएंगे। तो ये उसी के लिए है, और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। पिछली वीडियो में इतना दुखी करा तुम लोगों ने मुझे, मैडम खाते नहीं हो खाते नहीं हो। आज की वीडियो में सिर्फ खाना ही खाना है, ये भी दिखाऊंगी, लंच भी दिखाऊंगी, और रात को एंड में देखना डिनर भी दिखाऊंगी। मैंने सोचा पिछली वीडियो, मैंने कहा यार ये सब चीजें क्यों दिखानी, बट नहीं मैडम डिनर, मैडम डिनर, आज मैडम तुम्हें डिनर भी दिखाएगी, लंच भी दिखाएगी, और ये ब्रेकफास्ट, ये 1 लीटर का ब्रेकफास्ट कर लिया तुम्हारी मैडम ने। दूध पिया करो यार, दूध बहुत जरूरी है, दिमाग भी बढ़िया, सेहत भी बढ़िया, सब बढ़िया, ठीक है। चलिए अब दूध खत्म करने के बाद अपना वही बैक टू द स्क्वायर वन, अपना वही काम। तो अब अपना फटाफट करते हैं रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि मैं रिवीजन कर रही हूँ अपने नोट से। और आपको पता है यूपीएससी मेंस का जो पेपर है उसमें 7 पेपर होते हैं, 7 क्या यार 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के भी होते हैं, तो इतना डाटा जाता है ना पूरे साल, हम इतना पढ़ते हैं, प्री में भी पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं, तो बहुत डाटा हो जाता है, और पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि वो इतने सबका रिवीजन कर पाए। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाओ, जितने शॉर्ट बना सको ऐसे नोट्स होने चाहिए कि मतलब यदि आप पे यदि जोर पड़े तो आप 1 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, और मैं भी यहाँ वही कर रही हूँ। तो अपने शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़रूरी है, उसके फायदे भी हैं यार। आपके अपने नोट्स होंगे तो फटाफट आप रिवाइज कर पाओगे, और उससे क्या होगा कॉन्फिडेंस आता है आपको। और यहाँ पे अब धीरे धीरे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे को धीरे धीरे नींद चढ़ रही है, क्योंकि एक तो मैंने दूध पी लिया, ऊपर से सन्नाटा, और ऐसे में सबसे बढ़िया नींद आती है। इसका एक ही सोल्यूशन है ऐसे का, आप अपना बैठ के पढ़ो, घूम के पढ़ो, उकड़ू पढ़ो। और पिछली बार भी इतने सारे लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि मैम हम तो इतनी देर लाइब्रेरी में बैठते हैं हमारी तो बैक पेन हो जाती है। यार वो नॉर्मल है, हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इसलिए बीच बीच में क्या करें, अपना घूम के पढ़ें, इधर उधर उठ जाएँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ी फ्लेक्सीबिलिटी। तो इसके यार इस मुद्रा के हैं 2 फायदे, एक मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नींद नहीं आती, एक दूसरा फायदा आपको पता है ये कौन सी मुद्रा है, और ये आजकल जो इंग्लिश टॉयलेट आने से लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही है उसका निवारण मैं ही बताऊंगी आपको हर वीडियो में। इससे होती है हमारी पाचन शक्ति अच्छी, तो उसमें भी फायदा, तो ये वही बात हो गई, 1 तीर से 2 शिकार, और हम हैं यूपीएससी वाले तो हम तो 1 से 4 शिकार करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको देखो जिस भी पोजिशन में कंफर्टेबल हो, घूमते फिरते सोते बैठते, उल्टा बैठ के पढ़ लो, सीधा बैठ के पढ़ लो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे, मैटर ये करता है कि पढ़ाई होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ जाओ पेपर में तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मैं भी यहाँ यही कर रही हूँ कि मैं अपने दिमाग को, अपने पेट को, पाचन को बढ़ा रही हूँ, कि जो मैंने 1 लीटर दूध डाला उसको पचाऊंगी भी तो सही, तो ये पचाने का ही तरीका है सबसे बेस्ट, कि ये घूम घूम के मैं उसको पचा लूँगी, पढ़ भी लूँगी। और यदि ये सब भी काम ना करे तो दूध को पचाने का एक और तरीका है, उसको साड़े को खाने से दबा दो, इतना दबा दो कि अपने आप पच जाए, ऑप्शन ही ना बचे उसके पास। और यहाँ मैं भी वही कर रही हूँ, और देखो मैं लंच करती हूँ, देखो,
और अब लंच निपटा के अपना तो फिर वही काम, पढ़ाई कुछ करो, पियो पढ़ो, खाओ पढ़ो, हगो पढ़ो, पढ़ाई कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, सब कुछ उसके इधर उधर घूमता रहेगा और पढ़ाई होनी चाहिए। तो अब ये फाइनल सेशन लग रहा है इस रिविजन का, उसके बाद जाएंगे टेस्ट देने, तो देखते हैं कितनी देर का लगेगा। और इसके बाद यही बता दूं तुम्हें, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती होगी, सब यही जानना है। तो मैं तो रुको और अभी देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि रक्षाबंधन है तो ये मेरे भाई आए हैं मुझे सरप्राइज देने, क्योंकि देखो यूपीएससी वालों के तो त्यौहार ऐसे ही मनते हैं। और मैंने फोन ना उठा के इनको 15 मिनट बाहर खड़ा करके इनको सरप्राइज दे दिया, और अभी देखना ये मेरे लिए क्या रक्षाबंधन का गिफ्ट लाए हैं। और लाइब्रेरी से अब हम आ गए हैं घर, क्योंकि राखी भी और मिठाई सब घर पे थी, और इसके बाद हमें टेस्ट देने भी जाना है, तो उसके लिए भी तैयार होना है। अब हम मनाएंगे रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के लिए मेरे भाई साहब जो है स्पेशली अपने ऑफिस से आए हैं। देखो फॉर्मल ड्रेस में जरा दिखा रहा, नीचे नीचे कपड़े। आज हम दिखाएंगे गरीबों की राखी कैसी होती है। कैमरामैन राखी फोकस करना, बीच में राखी के बीच में आती है यानी मैं। तो ये मैं अब यहाँ पे एक बहन का दायित्व निभाते हुए और भाई का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि आप सबको बताया यूपीएससी जैसा पेपर पढ़ने के लिए तो जहाँ से जिससे जो आशीर्वाद मिले, जो दुआएं मिले, जो मिले सब बटोर लो, क्योंकि ज्ञान अकेले से तो काम नहीं होगा, ज्ञान और भगवान दोनों चाहिए। तो भगवान तो या तो दुआओं से मिलेंगे, आशीर्वाद से मिलेंगे, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे, सब दायित्व निभा रही हूँ अपना। यार इस मिठाई की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पर वो कहानी मैं बताऊंगी डिनर टाइम पे, क्योंकि कहानी का समय तो देखो रात का ही होता है, तो उसके लिए बने रहे और देखे पूरी वीडियो। पैसे तो पैसे, ये भाई साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। इससे महंगी तो मेरी राखी थी। रक्षाबंधन मना लिया, भाई को भगा दिया, और हम रेडी हैं और हम जाएंगे टेस्ट देने। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी यार, इतने सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट दिल से थैंक यू सो मच। और एक और चीज, मतलब इतने सारे लोग हैं जो इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो मेरे इतने बड़े हितैषी हैं, उनको मेरी इतनी टेंशन है कि मैम टाइम वेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यार तुम वीडियो की एडिटिंग का स्टैंडर्ड देखो, तुम्हें लगता है कि मैं इस लेवल की एडिटिंग कर सकती हूँ? नहीं यार, मैं नहीं करूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता होता कि वीडियो किस टाइम प्रीमियर होने वाली है, उसका रिस्पांस कैसा है, मुझे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मेरे यार दोस्त जो वही सब संभालते हैं, एडिटिंग से लेकर प्रीमियर का टाइम सब कुछ। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि मैं बस, आपने देखा होगा, 5-5 सेकंड के लिए वीडियो कहीं प्लेस करती हूँ, 1.5 घंटे का सेशन लगाती हूँ, फिर उसका प्लेस चेंज कर देती हूँ, कहीं और रख देती हूँ, और वो रो डाटा मैं ऐसे कैसे उनको भेज देती हूँ। अब उसके बाद क्या करना है वो सब वो डिसाइड करते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं यार हम लोग, इतना पूरे दिन इतना टाइम वेस्ट करते हैं, कभी इधर कभी उधर कुछ अनवांटेड डाटा देखते रहते हैं, उससे तो अच्छा है कि हम कुछ अच्छा देखें, पढ़ाई का देखें। और एक और बात, इतने सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि गाँव में डिंडोरा पीट दिया, अब नहीं होगा आपका, मीन्स क्या हो जाएगा? नहीं होगा तो जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी यार, कुछ नहीं होता यार, इतना टफ एग्जाम है, नहीं होगा तो अगली बार और मेहनत करेंगे, इससे नहीं होता। और तुम्हें क्या मिल जाएगा मेरा नहीं होगा तो? बल्कि होगा तो हमें अच्छा लगता है कि यार जैसे जिसको हम किसी को जानते थे उस इंसान का हो गया, तो हमें बहुत मोटिवेशन फील होती है यार, हमारे जैसी दिखती थी, हमारे जैसी रहती थी, और उनका हो गया। और नहीं होगा तो ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा, अगली बार होगा, कभी तो होगा, और उस कभी भी नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करती। आप देखो यार वीडियो का ड्यूरेशन देखो यार, मुश्किल से 10 मिनट की होती है, और उसमें मैं तो कुछ करती नहीं, एडिटिंग वेडिटिंग मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये टेंशन मत लिया करो, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करती। बस यही कहना था आप सबको, और इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखना। थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू ऑल गाइस। तुम्हें
टू को रखे बहुत तेज, और अब जा रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज लगाने। तो अब जाएंगे और दो टेस्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद सीधा मिलेंगे लाइब्रेरी में। तो चलो टक 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 टक, अब फटाफट चलते हैं टेस्ट देने, और वो भी कहाँ पे, यूपीएससी हब यानी कि करोल बाग में। और पता नहीं यार, ये जब भी मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचती हूँ मेरे कार्ड में पैसे कैसे खत्म हो जाते हैं, मुझे हर बार रिचार्ज कराना पड़ता है और मुझे समझ नहीं आता कहाँ जाते हैं पैसे। तो अब राखी मना के भाई को भगा के अब हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन और यहाँ से करोल बाग, और अब हम करेंगे एग्जिट, और एग्जिट करके सीधे जाएंगे अपने टेस्ट सेंटर, वहाँ पे जाके लिखेंगे आज का टेस्ट। और यार अब ये मेरी हालत देखो, मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही है, कैसे लग रहा है जैसे मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, पता नहीं कितनी टेंशन है। और ये अब हम पहुँच गए अपने टेस्ट सेंटर, और अभी यहाँ जाएंगे नीचे और जाके लगाएंगे बढ़िया टेस्ट। मुझे लग रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगा दिखाती हूँ आपको, मुझे लग रहा था सिर्फ मेरी फट रही है और मेरी ऐसी हालत हो रखी है, लेकिन यहाँ सबकी हालत देखो वैसे की चारों की क्या हो रखी है। यहाँ पे भी सब इतने बिल्कुल टेंशन में आके एकदम टेस्ट लिख रहे हैं जैसे यही आखिरी दिन है। और ये हमने टेस्ट लगा के हम निकल भी लिए, क्योंकि हम तो टेस्ट लगाने आए नहीं थे, हमें तो व्लॉग बनाना है, हमें क्या मतलब पढ़ाई वढ़ाई से। ये मोर छापी मेट्रो स्टेशन अब एंट्री कर ली है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के जितने भी टेम्पल है ना, जहाँ पे बच्चे जा जाके ये जो कोचिंगें लेते हैं ना, इन सब का मैं प्रमोशन करूंगी। और यदि आप में से कोई भी इनका जानकार हो, शुभ्रा रंजन मैम का है, दृष्टि आईएएस वालों का है, और भी दिखाऊंगी, यदि कोई भी देख रहा है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि देखो मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ आपका। ये मेरी गंदी शक्ल गरीबों वाली और पसीने में हालत देखो क्या हो रखी है टेस्ट लिखते ही, तो प्लीज़ मुझे अपनी स्पॉन्सरशिप दे, क्योंकि मैं फ्री में तो कर ही रही हूँ, पैसे लेके तो और अच्छे से करूँगी। और ये देखो यार मेरी मूंछों तक पे पसीने आ रहे हैं, मेरी हालत देखो क्या हो गई है, ये मेरे साथ हालत चल रही है। और अब मेट्रो में बैठ के अब जाएंगे यार अपने घर, क्योंकि देखो प्लान था दो टेस्ट लगाने का, बट दो हो नहीं पाए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो अगली बार दो लगाएंगे। और अभी देखना मैं आपको सारे और बचे हुए मंदिरों के दर्शन कराऊंगी, कौन कौन से जहाँ पे बच्चे आगे अपनी किस्मत देखो। ये दृष्टि आईएएस, इन्होंने तो दो दो जगह ले रखा है, और ये ALS का इंस्टीट्यूट विजन का भी यहीं पे है, फोरम आईएएस का भी यहीं पे। और अब टेस्ट के बाद पहुँच गए हैं वापस लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी आके अब फिर से वही करना है, लगाना है आज का अगला सेशन। थकान के मारे हालत ख़राब हो रखी है, बट कोई नहीं यार, ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब थकान दर्द ये तो ऑप्शन नहीं है। तो अब फटाफट से तैयार हो जाते हैं और अब लगाते हैं अगला सेशन। तो ये वाला जो शाम का सेशन है, क्योंकि टेस्ट हो चुका है तो इसमें मैं सुबह ऑप्शनल नहीं कर पाई थी, तो इसमें मैं कर रही हूँ पूरा ऑप्शनल। और वही सेम तरीका है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि इस टाइम वो टाइम नहीं रहा कि आप कुछ भी नया पढ़ो और आप कुछ भी ऐसी नई चीज़ देखो, क्योंकि 30 ही दिन बचे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पहले पढ़ा आप उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो जितना हो सके। और मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, और रिकॉल करते करते और बैठे बैठे देखो मैंने फिर से कहा हालत ख़राब हो जाती, तो बीच बीच में स्ट्रेचिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है ना कि थोड़ा जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, और फिर प्रेशर रिलीज करके करना क्या है, पढ़ाई। तो अब पढ़ेंगे और रात को जितनी लेट है, जब तक सब नहीं चले जाते तब तक पढ़ेंगे। याद है ना चैलेंज जो शुरू में बताया था, सबसे पहले आए थे और सबसे एंड तक जाएंगे, तो तब तक पढ़ेंगे जब तक सब लोग नहीं चले जाते हैं। बट तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं यही सो जाऊं, 3-4 घंटे कर जाके फायदा क्या, फिर सुबह फिर यही आना है, घर तो जाना पड़ेगा। तुम लोगों को डिनर जो दिखाना है, तुमने जो पिछली वीडियो में मेरा जीना आराम किया ना, आज डिनर के लिए घर जा रही हूँ, डिनर दिखाऊंगी, तो देखना एंड में डिनर। पर अब चलते हैं घर, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही घर जाने की, पर कोई नहीं चला जाए, अंधेरा कायम रहे। पर इतनी सबने टेंशन हो रही कि मैम डिनर नहीं करा, डिनर नहीं करा, डिनर नहीं करा। यार डिनर करती हूँ पर सब कुछ थोड़ी दिखाऊंगी, ऐसे तो मैं बाथरूम भी गई थी, वो थोड़ी ना साथ में कैमरा ले जाके दिखाऊंगी, बट क्योंकि थंबनेल इतनी टेंशन हो रही थी तो मैं आज दिखाती हूँ अपना स्पेशल डिनर। ये रहा, और ये मेरी सबसे फेवरेट मिठाई है, और बहुत सारे लोगों को शायद इसका नाम पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिसको पता हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और किसकी फेवरेट है ये जरूर बताना। तो ये है आज का मैडम का डिनर। ये दिखाओ, ये मैडम का डिनर है, और सच में बताना मतलब मुझे तो बहुत पसंद है यार, मेरी कोई लिमिट नहीं, मैं कितना खा सकती हूँ इस मिठाई को। और ये डिनर इसके अलावा भी करा है, बट अब ये दाबेंगे और दाबेंगे और बढ़िया बॉडी बढ़ाएंगे। तो जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में, आओ खाते हैं, आप भी खाओ, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज, हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों डिनर दाबते हैं, आप भी दाबो मेरे साथ, चीयर्स। यदि दुनिया में कहीं जन्नत है ना, तो यही है, या तो इसमें है या वो 1 लीटर वाले दही में है, और कहीं नहीं है यार। काश मैं आप लोगों को खिला पाती, बट कोई नहीं, बहुत जल्दी खिलाऊंगी, कभी मिले जिंदगी में, कभी भी कहीं ऐसे तो जरूर खिलाऊंगी मैं अपनी फेवरेट मिठाई। आप लोगों की भी हो तो बताना मुझे,
या अपना एड्रेस दे देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, एड्रेस में जितनी मेरी औकात हुई जितनों को भेज पाई क्या अपना भेज दूं मैं जिसने सबसे बढ़िया कमेंट करा नाम के साथ और इसके बारे में एक बढ़िया बात बताते हुए उसको शायद मैं पक्का भेज दूंगी। ठीक है, तो बताना सबसे सेक्सी कमेंट, सबसे बढ़िया कमेंट किसका आएगा। देखो आदत डकार नहीं आ रही, अब बीच में अटक गई है पर आएगी जरूर। और ये सपड़ा दिया है पूरी मिठाई, तैयार हो गया डैड एकदम, और इतना खा लिया पढ़ पढ़ के मेरा मन भर चुका है बिल्कुल, और खा खा के मेरा पेट मेरी छाती सब भर गई है। और बस यही आज के लिए इतना ही था, पर यदि आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करो तो कर देना। जय राम जी की, जय महाकाल। बस यार बस इससे ज्यादा नहीं होगा आज के लिए बस।